इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि ब्यास दरिया उफान पर है। पोंग बांध से लगभग 150,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से ब्यास दरिया की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। वही धूसी बांध में बड़े जल स्तर से धूसी बांध जगतपुर कला के पास से क्षतिग्रस्त होने तथा कुछ सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी गांव में प्रवेश कर गया है। आपको बता दें कि पानी कब गांव में आ गया लोगों को मालूम ही नहीं चला। स्थिति को देखते हुए लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया से निकालने के लिए जिला प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीम्स भी जिला गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थानों से भी लगातार लोगों को गाँव से बाहर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए कहा जा रहा है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार जगतपुर कला के पास से धूसी बांध टूट जाने की वजह से दरिया का पानी धूसी के पास इलाकों में पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई जो बारिश की वजह से कल पोंग बांध से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जगतपुरा टांडा भैनी पसवाल के ऊपरी इलाकों में ब्यास दरिया उफान पर आ गई है। तटबंध में दरार आ गई जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। आपको बता दें कि जगतपुरा टांडा भैनी पसवाल चीचिया चौरैया पोखवाल दाऊवाल खेहरिया दलेरपुरा पदाना चीना बेट नडाला गांव के ऊपरी इलाकों में ब्यास नदी टूटने की वजह से जगतपुर कला कोहलिया और खारिया गांव की चपेट में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लाइव अपडेट आपको इस जानकारी इसमें आपको दे रहे हैं और एक बार फिर से आपको बता दें कि ब्यास दरिया इस वक्त उफान पर है जिसके चलते कई सारे इलाके जो है वो प्रभावित हुए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम्स प्रशासन मौजूद है जो कि लोगों को लगातार बाहर वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। आप भी डालिए पूरे लाइव अपडेट पर एक नजर।